हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एसके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करना है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आपके लिए एक ऑसम वीडियो के साथ आ चुका हूं, तो चलिए चलो जरा सा टाइम ना वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है एलियंस की। आजकल काफ़ी अफवाहें उठ रही हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर में आप सुनने को आ रहा होगा कि कभी अमेरिका इसके बारे में खुलासा करने वाले हैं कि उन्होंने उड़न दस्तरी देखी है कि नहीं, या फिर कभी आपको लगता है कि किसी ने एलियंस को देखा है, उनकी उड़न दस्तरी देखी है। कभी कभी तो न्यूज़ में ये भी आ जा रहा है कि इसको प्रूफ कर लिया गया है कि आप एलियन होते हैं करके। तो सबसे पहले मैं अपने राय में बता दूं कि मेरे को 110% लगता है कि एलियन होते हैं, क्योंकि ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा ही बड़ी है। कहीं किसी कोने में या फिर अलग अलग ग्रहों में अलग अलग जीव रहते होंगे, इसको हम एलियंस कहते हैं। वो क्या पता हम टेक्नोलॉजी में हमसे भी आगे हों, क्या पता वो हम पे नज़र रखे हुए हों और हमें पता ही ना हो। जिस प्रकार हम ड्रोन से या किसी ऐसे छुपे हुए कैमरा से किसी में नज़र रखते हैं, वैसे ही क्या पता वो हमें भी ट्रेस कर रहे हों, हमें भी देख रहे हों, हमारे बारे में जानकारी जुटा रहे हों। कहीं क्या पता हम उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा ही ना हो या वो हम पे रिसर्च ना कर रहे हों। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो आजकल मैं अखबारों में और न्यूज़ काफ़ी देखने को मिली है, आपने भी काफ़ी न्यूज़ सुनी होंगी हाल ही में, जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ही अमेरिका और काफ़ी अलग अलग नासा ने भी कभी कभी प्रूफ किया कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी ऑप्टिकल चीज़ें देखी है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। कोई कोई तो उसे सीधे एलियंस बता दे रहे हैं या उनका शिप बता दे रहे हैं। कहीं कहीं इनकी फ़ोटोएँ भी ली गई हैं, उन फोटोओं का मैच किसी भी हमारे जो अर्थ में जहाज़ या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जो भी अलग अलग प्रकार से नापा गया उनको, पर वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में खड़ा नहीं होता, वो बाहरी जैसा ही ऐसा लगा कि वो बाहर से आया हुआ है। और कभी कभी तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो इम्पॉसिबल है अभी ह्यूमंस द्वारा या किसी भी उनके ऊपर बनाए गए गैजेट्स द्वारा। तो इसलिए या तो इसे एलियन समझ लेते हैं या फिर कुछ और समझ लेते हैं। क्योंकि कल परसों ही मैं सुन रहा था कि अमेरिका में काफ़ी तनातनी पर बनी हुई है इस क्वेश्चन में कि क्या यूएफओस देखे गए हैं, क्या असलियत में एलियंस होते हैं। कभी कभी तो वहाँ के राष्ट्रपति, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने यही घोषणा कर दी थी कि वो खुलासा करने वाले हैं कि यूएफओस होते हैं या एलियन सही में होते हैं कि नहीं, पर उनका जैसे कि आप जानते हैं कि वो हट चुके हैं, उसके बदले अमेरिका के कोई और बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर। ये बात अभी दब चुकी है, पर तब भी बीच बीच में नासा और बड़े बड़े जो उनके साइंटिस्ट लोग हैं वो खुलासा करते रहते हैं कि ऐसे ऑप्टिकल्स देखे गए हैं, उनकी वीडियो भी बनाई गई है, उनकी फ़ोटो भी खींची गई है यहाँ तक का, पर वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं कि वो क्या चीज़ें करके। और हाल ही में मैं कल परसों के अखबार में देख रहा था, आजकल तो सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी हद तक इनसे अछूते नहीं रह गए हैं, इन्होंने भी ऐसे ऑप्टिकल्स देखे हैं और वो दावा करते हैं कि ये यूएफओस ही हैं, क्योंकि जो उनकी बनावट होती है, जो उनकी चलने का ढंग होता है, वो किसी भी ऐसे ह्यूमन मेड व्हीकल से नहीं मैच करते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि ये बाहरी अंतरिक्ष का काम हो सकता है। मैं गाइस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में और जीव हैं जो इस अर्थ से बाहर सर्वाइव कर रहे हैं और वो हमसे विकसित हैं? क्या वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं या वो हमारे लिए विनाश लेके आएंगे? इन्हीं क्वेश्चन के साथ मैं आगे की वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ। मेरे को बचपन से ही ऐसा लगता था कि इस प्लेनेट में हमारा प्लेनेट ही ऐसा नहीं है जहाँ लाइफ फॉर्म है। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं किसी कोने में और लाइफ भी बसी हुई हैं, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं। क्या पता वो हमसे कॉन्टैक्ट कर चुकी हों या वो हमसे जानना चाहती हैं कि हम कितने विकसित हैं, क्या हम इस लायक है कि वो हमसे बात करें। वो क्या पता हम पे रिसर्च कर रहे हों, हमारी रहने सहने का, हमारा जीने का स्टाइल हम बहुत पहले से हम पे नोट उन्होंने नज़र रखी हुई हो, कुछ भी हो सकता है गाइस। आजकल तो डिस्कवरी में भी ये एलियंस के बारे में काफ़ी मिथें बताई जा रही हैं। कभी कभी तो इनको ऐसे हमारे मंदिरों और उनसे भी लिंक कर दिया जा रहा है कि हमारे जो मंदिर और जो पुराने भगवान जिनको हम कहते थे वो एलियंस हुआ करते थे। पर जैसे कि मेरे को एक बात बहुत खलती है कि जब हमारा पुरातन काल, जो हमारा बहुत पहले का हम जब जीते थे, तब हम बहुत विकसित हुआ करते थे, हमारे पास अनगिनत ऐसे वेपन्स होते थे, अनगिनत ऐसे जहाज हुआ करते थे जिससे कि हम कहीं भी आ जा सकते थे बहुत तेज़ी से बिना किसी नुकसान के, और अलग अलग शक्तियाँ हुआ करती थी। जब उसको मैं मैच करता हूँ आज के काल से, तो हम अभी भी कहाँ खड़े हुए हैं गाइस?
जो हमारा, जैसे कि मैं इंडिया में रहने वाला हूँ तो इंडिया के अलग अलग वो हैं, उसमें ये बताया गया है कि हमारे जो पुराने वो थे उनमें, जैसे कि महाभारत ही ले लीजिए, उसमें कितने ऐसे ऐसे वेपन्स का बताया गया है जो अभी तक डेवलप हो रहे हैं या डेवलप होने वाले हैं। जैसे कि आप परमाणु बम को वहाँ के ब्रह्मास्त्र से जोड़ लीजिए, ब्रह्मास्त्र को कहा जाता है कि वो पूरा विनाश कर देता है पृथ्वी का, और ऐसी हमारे वहाँ जो परमाणु बम है ये भी पूरी तरह से पृथ्वी का विनाश तो नहीं कर पाते हैं, पर कहीं कहीं जिस जगह में गिरते हैं वहाँ का विनाश कर देते हैं। तो सोच लीजिए उतने डेडली वेपन्स पहले हुआ करते थे, पहले के लोग कैसे पुष्पक विमान जो रामायण में यूज़ किया गया है, तो आजकल देखिए जहाज। तो सोच लीजिए कि उस टेक्नोलॉजी में हम उतने विकसित थे, तो अचानक से हम क्या हो गया, हमें अचानक से सब थम गया, फिर से रीस्टार्ट हुआ जीरो से, क्या हुआ है? क्या पहले ज़माने में एलियंस ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने हमें अपने सामान दिए, हमें उसको चलाना सिखाया, हमें इतना विकसित बनाया, फिर अचानक से उन्होंने हमसे सब छीन लिया कि हम क्या पता उस वेपन के लायक ना हो, उस चीज़ को संभाल ना सके, इसलिए हमसे छीन लिया गया और हमें हमारे हाल में अभी भी जीने के लिए छोड़ दिया गया। क्या पता हमें अभी भी रिसर्च चल रही हो उनकी कि हम किस लायक हैं, किस केबिलिटी के लायक हैं। ऐसे ही अलग अलग ख्याल मेरे मन में आते हैं। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ गाइस कि एलियंस होते हैं, और कहीं कहीं कुछ कुछ एलियंस हमसे बहुत विकसित हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी ऑसम वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, मेरे बारे से सहमत हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।